दोस्तों आरसीबी के एक फैसले ने फैंस के साथ साथ दिग्गज खिलाड़ी को भी काफी नाराज किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल आईपीएल ऑक्शन में कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और इस बार आरसीबी ने मुंबई इंडियंस से सीधा ट्रेड करके कैमरन ग्रीन को अपने टीम में ले आया। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड के माध्यम से कैमरन ग्रीन सीधा आरसीबी में ट्रांसफर हो गया है। इसका मतलब कि आरसीबी 17.5 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस को देंगे। दोस्तों इस फैसले के बाद दिग्गज क्रिकेटर ने अपना बयान दिया है और आरसीबी के इस फैसले से काफी नाराज है। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में आने पर पूर्व क्रिकेटर डॉग हॉक का एक बयान आया है। इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने आरसीबी के इस फैसले को बेहद खराब करार दिया है। हॉक के मुताबिक बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को अपने पास उपलब्ध रकम का इस्तेमाल विशेषज्ञ गेंदबाज पर करना चाहिए। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आरसीबी के इस फैसले को खराब पसंद बताते हुए हॉक ने लिखा, हॉक ने कहा कि क्या ग्रीन इतनी वैल्यू रख हैं। मैं आरसीबी की लाइनअप को देखता हूं, मैं सोचता हूं कि यह बेहद ही खराब पसंद है। मैं यह ग्रीन की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा हूं। वह पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर आप आरसीबी की लिस्ट देखें तो उन्होंने बैटिंग लाइनअप पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है। अब उनके पास ऑक्शन में विशेष गेंदबाजों पर खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं बचेगा। हॉक कहते हैं, अगर आप आईपीएल जीतना चाहते हैं तो आपके स्कोर डिपेंड करने के लिए अच्छे गेंदबाज की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि आरसीबी की यह बेहद खराब चॉइस, शायद ग्रीन अन्य किसी टीम के लिए ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। दोस्तों आईपीएल 2023 से पहले हुए ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ खर्च करके अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया था। हालांकि इस बार मुंबई इंडियंस क्योंकि हार्दिक पांड्या को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया तो उसे कैमरन ग्रीन को ट्रेड करना पड़ा। इधर आरसीबी को भी अपनी टीम में कैमरन ग्रीन को जगह बनाने के लिए जोस हेजलवुड, हर्षल पटेल और वनेंडू हसरंगा जैसे दिग्गजों को रिलीज करना पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कैमरन ग्रीन को, इतने महंगे खिलाड़ी को, क्या अपने टीम में शामिल करना चाहिए था या फिर किसी और चॉइस पे जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके जाना।